सोमवार को सावन के अंतिम सोमवार और बकरीद के पर्व को लेकर गोरखपुर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बख्शीपुर से लेकर घंटा घर तक पैदल फ्लैग मार्च कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संवेदनशील जगहों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन जगहों पर अधिक से अधिक पुलिस बल तैनात किए जाएं और बकरीद के पर्व में किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। इस मौके पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जिन मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया है उन रास्तों पर और उन जगहों पर जो अति संवेदनशील है अधिक से अधिक पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया जाएगा। साथ ही एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बताया कि जितने भी कुर्बानी के स्थल हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी जानवरों के अवशेष हैं उसको ढक कर ले जाएं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया कि ईदगाह हो जहां पर नमाज पढ़ा जाना है वहां पर नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था करा दी जाए और साथ ही दिशा निर्देश दिया कि किसी भी ईदगाह या नमाज के स्थान पर गंदगी ना होने पाए। फ्लैग मार्च में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और सिपाही मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा ये तो सर समय से बहुत आ गया सर और डंडे रहे क्या अभी सर जो हमारे जानवरों का है सर जी। इस बार बकरीद और सावन का अंतिम सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब, हम सभी भ्रमणशील होकर हर जगह की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। सभी जहां पर जल चढ़ाया जाना है, जहां पे नमाज़ पढ़ी जानी है, जहां कुर्बानी होनी है, उन सभी जगहों पर किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी ना रहे, इसे हम सब, मैं और सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब, हम सब घूम के देख रहे हैं। इसे सीसीटीवी कैमरे कई बिंदुओं पे लगाए जा रहे हैं जहां पे ज़्यादा लोग रहेंगे। ड्रोन कैमरे हमारे जनपद में इस वक्त दो हैं, उन दोनों को ड्रोन कैमरों को मैं स्वयं लेके चलूँगा और जहां जहां पर ज़्यादा भीड़ रहेगी वहां उन ड्रोन कैमरों को ऊपर भेजकर उन जगहों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। बाहर से फोर्स मंगाई जाएगी, पीएसी भी लगाई जाएगी और हमारे पुलिस के रिजर्व लाइन में जो भी आरटीसी के रिजर्व फोर्सेज हैं उनको भी भ्रमणशील किया जाएगा। ईद के आज एक दिन पूर्व सारी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ साहब, सभी भ्रमणशील हैं और जितने भी कुर्बानी के स्थल हैं उनको देखा गया है और सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जो जानवरों का अवशेष रहेगा किसी भी प्रकार से खुले में नहीं जाएगा। नगर निगम के सारे अधिकारी इस बात के लिए भ्रमणशील हैं कि कहीं पर कोई भी गंदगी ना रहे और उसकी पूर्व तैयारी पहले से कर ली गई है और सभी जानवरों के अवशेष के लिए एक ढक के जाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी ईदगाह और सभी कुर्बानियों के स्थल को देख लिया गया है और जहां पर जल अभिषेक किया जाना है श्रावण के अंतिम सोमवार पर वहां की तैयारियां साफ सफाई को देखकर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब पुराने एरिया में सब घूमे हैं, बताइए। हम लोग जानते हैं, हम लोग और एडीएम सिटी साहब और एसपी सिटी साहब, सीओ साहब, हम लोग जो है आज पिछले करीब ढाई तीन घंटे से भ्रमणशील हैं और पैदल चल रहे हैं। हम लोग जो भी हमारे सक्रिय गलियां हैं और जो हमारे ईदगाह हैं, जो मस्जिदें हैं, करीब काफ़ी मस्जिदें हैं जहां नमाज पढ़ी जानी है और मुख्य जो हमारे ईदगाह हैं कुछ सेंसिटिव पॉइंट भी हैं जो पहले रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, नगर निगम की सफाई भी काफ़ी दिख रही है, सुबह से हम लोग भ्रमणशील हैं, जहाँ कुछ कमी अगर दिख रही है तो संबंधित अधिकारी को हम लोग जो है अवगत भी करा दे रहे हैं। जैसा कि अभी एडीएम सिटी साहब ने बताया और एसपी सिटी साहब ने बताया, कल
सावन का अंतिम सोमवार भी है और बकरीद का त्यौहार भी है, क्योंकि बकरीद 3 दिन कुर्बानी होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी तैयारी करनी है हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और इस जो आगामी त्यौहार है उसको बहुत शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग कम्प्लीट कराएंगे। हर बार जो है बैरिकेडिंग कर दी जाती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था रहती है, खास करके कोई जानवर नहीं उसमें घुसने पाए, इसके लिए नगर निगम के भी कर्मचारी और जो हमारे फोर्स है वो मुस्तैद रहेगी और जो कुछ जो आवारा पशु हैं या कुछ और जानवर हैं वो एक दिन पहले ही जो है सबको इन्फॉर्म आज कर दिया जाएगा, क्योंकि आज सभी थानों से भी मैसेज किया जा रहा है, नगर निगम से भी मैसेज किया जा रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कोई उसमें विघ्न न हो और इसको हम लोग इंश्योर कराएँगे।